गाइस यार बचपन में आपने इस इंजन को बहुत बार देखा होगा। ये जो इंजन है गाइस यार इस तार से बिजली लेता है और इस तार का रिपेयरिंग कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सारे वर्कर जो है इस तार के रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। ऊपर ये देखिए, वहाँ ऊपर में सारे वर्कर लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इस चीज को नजदीक से दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको। और ये जो आवाज अभी निकला है, ये आवाज जब बचपन में निकलता था, ट्रेन के पास में रहता था, तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, लगता था अभी भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तार का जो रिपेयरिंग है वो किस तरह से होता है। चलो मेरे साथ। गाइजर आपको जहाँ भी पोल दिखते होंगे, ये इंजन जो है वहाँ पे रुकती है, उसके बाद वहाँ से ये जो ऊपर तार लटका हुआ है वहाँ पे इस तार को टाइट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तार को देखिए आप, धीरे से ये जो ट्रेन है वो आगे बढ़ेगी और फिर पोल के सामने रुकेगी, फिर वहाँ पे जो है तार को जो है वो टाइट किया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, रुक के भी मजा आ रहा है। चलो बराबर से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? और हाँ, मुझे कमेंट भी कर देना कि इस तरह का वीडियोस हमें बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। फिर आपने देखा होगा कि जो तार था वो टाइट किया है सारे वर्कर्स ने और जो है इंजन वो आगे चला गया। चलिए मैं आपको फिर से नजर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल गिरा हुआ है, ये देखिए। तो नट टाइट करते होंगे तो वहाँ पे ऑयल भी सेट डालते हैं। चलिए वहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से यही प्रोसेस दोबारा कर रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो तार ढीला पड़ जाता है गर्मियों में या फिर ट्रेन जब गुजरती है तो तार जो है वो थोड़ा बहुत ढीला हो ही जाता होगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे सारे वर्कर जो है वो रिपेयरिंग कर रहे हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यार इस चीज़ को देखने में हमें बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता होगा कि इसका जो रिपेयरिंग का काम है वो किस तरह से किया जाता है। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखने में। मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पर क्या होता है। से जो काम है ये चलते ही रहेगा और मैं चाहता हूँ कि आपका भी हाथ जो है वो चलते रहे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने दिखाया ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम देखा होगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को देखने के बाद। तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।